हेलो फ्रेंड्स, तो आप हैं एम अचीवमेंट एकेडमी पर और आज हम बात करने वाले हैं जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है एमपीपीएससी का, उसमें अब क्या नई अपडेट आई है और इससे किस किस एग्ज़ाम पे प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ओबीसी रिजर्वेशन का केस चल रहा है जो कि बाई इलेक्शंस की वजह से ही लेट किया जा रहा है और इस बार भी उसको लेट कर दिया गया है। साथ ही जब तक ये इलेक्शंस नहीं होंगे, बाई इलेक्शंस नहीं होंगे एमपी के अंदर, तब तक इस केस का सॉल्यूशंस आने के चांस बहुत कम है। अगर हाँ, अगर आप प्रभाव डालते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको रिजल्ट लाना है, या फिर कुछ इस तरीके से प्रेशराइज़ करते हैं कि गवर्नमेंट प्रेशर में आके कुछ कदम उठाए, तो हो सकता है जैसे कि एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, ट्रेंड कराया ट्विटर पे या रोडों पे गए, थोड़ा रैलीज निकाली और उनने ये सब कर दिखाया, जो कि 2 साल पुरानी वैकेंसीज थी, उनका एग्ज़ाम होगा अब दिसंबर के अंदर रेलवे का। इसी तरीके से जो एसएससी के एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स अटके हुए थे वो भी दिए गए, जो कि बहुत टाइम से अटके हुए थे। जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिजल्ट नहीं आया था अब तक, तो उसके लिए भी उनने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और उनने आखिरकार उनका रिजल्ट दे दिया गया। ऐसे ही आप भी एमपी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि शायद ऐसा हो कि गवर्नमेंट प्रेशर में आके रिजल्ट दे दे या नई एग्ज़ाम या नोटिफिकेशंस कुछ ना कुछ दे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या नई डेट आई है। तो नई डेट 2 नवंबर 2020 कर दी गई है, जो कि आज होनी थी जो सुनवाई 23/9/2020 को, वो अब नवंबर 2020 में इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बाई इलेक्शंस की वजह से केस को लेट किया जा रहा है, जिससे कि ओबीसी की जो, अगर ये 27% नहीं दिया गया तो ओबीसी का जो वोट बैंक है वो नाराज़ ना हो जाए बीजेपी गवर्नमेंट से, या फिर अगर ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया गया तो जनरल या फिर अदर जो कास्ट हैं वो नाराज़ ना हो जाए इस वजह से। बस यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं गवर्नमेंट और अदर अपोजिट की जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन जो है, वो भी यहाँ पे बस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। किसी को कोई मतलब नहीं है, ना स्टूडेंट्स से ना आम जनता से। तो आपको अपना खुद भार उठाना पड़ेगा, आपको खुद ही सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टी अब पुरानी जैसी नहीं रही हैं, जिनको स्टूडेंट्स और जनता की फिक्र हुआ करती थी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब बस अपने से मतलब रह गया है, ना आम जनता से कोई मतलब है, ना स्टूडेंट्स की लाइफ से कोई मतलब है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करने बैठता है तो उसे 1-2 साल तो किसी एग्ज़ाम को तैयार करने में निकल जाते हैं, उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है, कहीं कोर्ट केस हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो 5 मतलब एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से उसको फाइनल एक एग्ज़ाम पूरा करने में ही 4 साल निकल जाते हैं, और उसके बाद भी पता नहीं कि 4 साल के बाद उसका उस एग्ज़ाम में हुआ कि नहीं हुआ। और जो पुअर फैमिली से आते हैं, जो फार्मर फैमिली या फिर लेबर फैमिली से आते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है कि 4 साल तक कोई आपका घर वाला आपके लिए रुपए देता रहे, क्योंकि उनके यहाँ इतना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसा करें जिससे कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर पड़े, जिससे कि आपकी बात हर जगह बात की जाए, मीडिया पे भी इसका प्रेशर पड़े। आप कुछ ऐसा करें, थोड़ा रोडों पे जाएं, ये ना सोचें कि रोडों पे जाने पे मेरे पे एक पुलिस केस हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। आप एक नॉर्मल रैली निकाल लें, यहाँ पे कोई भी पुलिस, कोई भी स्टेशन आप पे FIR दर्ज नहीं करेगा, ये मान के चलें। बस आपको इस बस में धर लिया जाएगा अगर ज़्यादा कुछ हो गया, अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत रोष फैलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुलिस वैन ले जाएगी, बाद में 4-5 घंटे बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए ना सोचें कि आप पे FIR दर्ज होगी। अगर आप कोई भी हिंसावादी काम नहीं कर रहे हैं तो आप पे यहाँ पे FIR दर्ज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस आपको पुलिस वैन उठा के ले जा सकती है, जो कि भोपाल में हुआ था, लाठीचार्ज हुई, थोड़े लोगों को उठा लिया गया, उसमें कई फैकल्टीज़ भी थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो बस नॉर्मल था, उनको उठा लिया गया, थोड़े टाइम बाद छोड़ दिया गया, यहाँ पे कोई पुलिस केस नहीं हुआ। तो इस बारे में ना सोचे कि आप पे कोई पुलिस केस हो जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। आप अगर रोड पे नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ ज़रूर बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की जिसका कुछ भरोसा ही नहीं, आने का कोई फ्यूचर नहीं कि कब तक होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा ही केस 5 साल तक पहले चल चुका है, 2003 से पहले वाली सरकार में। तो अगर ये केस भी ऐसा ही खिंच गया
तो आप समझ रहे हैं आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कई लोग तो ओवर एज ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ हो जाएंगे इसी केस के चक्कर में। तो कुछ ऐसा करें जिससे ये गवर्नमेंट प्रेशराइज हो, ये बाई इलेक्शन का जो खेला खेल हो रहा है इसकी ना सोचे, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी, आपका फ्यूचर बर्बाद होता रहेगा। तो फ्रेंड्स कोशिश करें कि कुछ ऐसा करें जिससे कि ये सब सही हो। साथ ही मैं अपने जो फैकल्टीज़ फ्रेंड हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कुछ ऐसा करें जिससे कि ये सब स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है वो सही हो सके। तो ऐसी ही अपडेट्स के साथ जुड़े रहें मेरे साथ और बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी करें वीडियो को जिससे कि, और शेयर करें, लोगों तक बात पहुँचाएँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, नमस्कार, सात श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।